الحمد لله الحمد لله الذي هدانا للإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم رب كاسيات عاريات مائلات مميلات رب كاسيات عاريات مائلات مميلات كلهن في النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کے ایمان کو ایگزامپل بنایا, نمونہ بنایا. سوچنے کی بات ہے نا کہ ایک عورت کا ایمان کتنا پاورفل ہوگا کہ اللہ اس کے ایمان کو نمونہ بناوے. اور نمونہ بھی بناوے قیامت تک آنے والے انسانوں کے واسطے, بڑے بڑے ایمان والوں کے واسطے. اللہ کرے کہ ہماری بہنوں کا, بیٹیوں کا ایمان اتنا پاورفل ہو جائے. بہنوں ایک بات اچھی طرح سمجھ لو, ہمارے لیے, میرے لیے, آپ کے لیے سب سے زیادہ قیمتی چیز, ویلیویبل چیز, جس کی ویلیو سب سے زیادہ ہے وہ ہے ایمان. ایمان یہ آپ کے لیے, میرے لیے سب سے زیادہ قیمتی اور ویلیویبل چیز ہے. اس دنیا کی ہر چیز کو ختم ہونا ہے, فنا ہونا ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کل من علیہا فان, اس جگت میں, اس دنیا میں, اس ورلڈ میں جتنی بھی چیزیں ہیں فنا ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی, مٹ جائے گی, باقی نہیں رہے گی. اس دنیا کے شاندار ٹاپ کوالٹی کے پیلس, بنگلے اور محل ختم ہو جائیں گے. جو پہلے کنگ لوگ تھے, راجا مہاراجا تھے,
उनके पहले हमारी नज़रों के सामने हैं, वो सब दुनिया से चले गए और उनके महल उजड़ गए, सन्नाटा हो गया। बहनों, इस दुनिया के पैलेस और बंगले भी ख़त्म होंगे, यहाँ के कपड़े और खाने भी ख़त्म हो जाएंगे, यहाँ की चीज़ें भी ख़त्म हो जाएगी। बाकी रहने वाली चीज़ ईमान है, अच्छे काम हैं, वो कभी ख़त्म नहीं होंगे। अल्लाह ने तुमको और मुझको ईमान वाला बनाया है, इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करो। मैंने अभी आपके सामने जब शुरू किया तो यूं कहा था, अल्हम्दुलिल्लाहि अला निअमतिल इस्लाम, ये हदीस में भी आया है, आप सब याद कर लो इसको, अल्हम्दुलिल्लाहि अला निअमतिल इस्लाम वकफा बिहा निअमा। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमको इस्लाम दिया, और ये इतनी बड़ी नेमत है कि काफ़ी है, और कुछ नहीं चाहिए। जैसे हम खाने बैठते हैं तो कोई हमारे आगे खाना डाले, एक चम्मच डाले, दो चम्मच डाले, हम कहते हैं बस अब और नहीं चाहिए, तो इस्लाम मिल जाए तो और कुछ नहीं चाहिए, ये बस है, काफ़ी है। खुदा ने आपको मुझको इस्लाम दिया है, ईमान दिया है, बस काफ़ी है और कुछ नहीं चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाहि अला निअमतिल इस्लाम वकफा बिहा निअमा। मैं आप सबको कहता हूँ, सब अपनी ज़ुबान से एक मरतबा पढ़ो जो मैं पढ़ाता हूँ आपको, अल्हम्दुलिल्लाहि अला निअमतिल इस्लाम। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि उसने मुसलमान बनाया है। हम खाने के बाद पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अत'अमना वसक़ाना वजअलना मुस्लिमीन। सोकर उठ के पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहिन नुशूर। हम पढ़ते हैं, खाना नेमत है, नींद नेमत है, तो इस्लाम अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है। इसीलिए ये दुआ भी याद करो और कभी कभी पढ़ो, अल्हम्दुलिल्लाहि अला निअमतिल इस्लाम, अल्लाह का शुक्र है उसने मुसलमान बनाया। इस्लाम और ईमान से बड़ी कोई नेमत नहीं हो सकती। अब कोशिश करनी है, ट्राई करनी है, मेहनत करनी है, दुआ करनी है कि पूरी ज़िंदगी इस्लाम बाकी रह गए हमारी लाइफ में, हमारी ज़िंदगी में, और इस्लाम के साथ हम दुनिया से जावें, पूरी ज़िंदगी इस्लाम के साथ रह गए और इस्लाम के साथ हम दुनिया से जावें, मौत इस्लाम पर आवे। इस्लाम पर मौत आएगी तो मरने के बाद कब्र में मज़ा आएगा, जन्नत की हवाएं मिलेगी। बहनों, कब्र 6x2 एक खड्डा है, 6 फुट लंबा, 2 फुट चौड़ा। उस कब्र के अंधेरे में, डार्क नाइट में ईमान की लाइट होगी, ईमान की रोशनी होगी, ईमान का उजाला होगा। ईमान के साथ कब्र में जाएंगे तो जन्नत की लाइट आएगी, जन्नत का उजाला आएगा,
जन्नत की रोशनी आएगी, जन्नत की बेहतरीन ठंडी ठंडी हवाएं आएगी कब्र के अंदर। ईमान होगा तो अल्लाह ताला जन्नत देंगे, पैराडाइज देंगे, स्वर्ग में भेजेंगे ईमान की बरकत से। इसीलिए अल्लाह ने तुमको और मुझको एक मुसलमान फैमिली में, मुसलमान पेरेंट्स के घर में पैदा किया है। ये मालिक का बहुत बड़ा एहसान है। अब इस्लाम के साथ दुनिया से जाना है और ईमान के साथ कब्रिस्तान जाना है। इसी की मेहनत और ट्राई और कोशिश करनी है। दीनी बहनों, एक औरत जिसका नाम था आसिया, ये औरत कितनी अच्छी औरत होगी कि अल्लाह ताला ने उसका किस्सा कुरान में बयान फरमाया। कुरान में उसका वाकिया अल्लाह बयान कर दे रहे। कैसी ईमान वाली औरत होगी। इस औरत के पास हस्बैंड और शोहर जो था किंग था, किंग बादशाह था। हजरत आसिया का हस्बैंड शोहर मिस्र इजिप्त का बादशाह फिरौन था। सोचो कि एक क्वीन है, क्वीन आसिया, सी इज अ क्वीन, वो औरत रानी थी, रानी रानी थी, और उसका शोहर वो किंग था, इजिप्शियन किंग था, मिस्र का बादशाह था फिरौन। अब एक क्वीन के लिए क्या नहीं होता है। उसके हस्बैंड ने उसके लिए एक पैलेस बनवाया था। और कैसा पैलेस बनवाया था, रिवर साइड पर, पानी की नदी के किनारे पर। वहाज़िहिल अनहारु तजरी मिन ताती, कुरान में जिक्र हुआ, वहाज़िहिल अनहारु तजरी मिन ताती, कि ये नहर नदी मेरे पैलेस के पास से बहकर जाती है। नदी के किनारे पर रिवर फ्रंट में पैलेस था, उसमें वो रानी रहती थी अपने राजा के साथ। कैसी मज़ेदार जिंदगी होगी सोचो। और फिरौन को अपनी वाइफ आसिया के साथ बे इंतहा मोहब्बत थी, बहुत प्यार था उसको। लेकिन जब अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहि सलाम ईमान की दावत लेके आए और जादूगरों के साथ मुकाबला हुआ, तो जिस मैदान में मुकाबला हुआ अल्लाह के नबी मूसा अलैहि सलाम जीत गए, सक्सेस हो गए, कामयाब हो गए। तो इजिप्शियन मैजिक मैन जितने आए थे, मिस्र के जादूगर जितने आए थे, वो ईमान लाए, तो साथ में क्वीन आसिया भी ईमान ले आए, कलमा पढ़ लिया क्वीन आसिया ने। और ईमान लाई तो इतना पक्का ईमान लाई कि उसके शोहर को, हस्बैंड को, फिरौन को पता चला कि मेरी क्वीन, मेरी रानी ईमान ले आई है। तो उस फिरौन ने बहुत जुल्म किया, बहुत सताया। रिवायतों में आता है कि उसने अपनी पुलिस को लगाया
पुलिस वाले जाकर हजरत आसिया को मारते थे। अब सोचो, एक क्वीन जिसने किंग के पैलेस में, महल में जिंदगी गुजारी, कितनी नाजुक औरत होगी, और उस नाजुक औरत को पुलिस वाले मारते हैं। लेकिन ये औरत है कि ईमान कलमा जम के पढ़ रही है, कलमा नहीं छोड़ती। उसको महल में से बाहर निकाल दिया। अब एक रानी क्वीन जिसकी लाइफ पैलेस और महल में गुजरी हो, उसको महल से बाहर निकाल दे रहे, कितनी तकलीफ। और इजिप्त और मिस्र की गर्मी जो 50 डिग्री पर जाती है, 50-55 डिग्री पर वहाँ की गर्मी होती है। रिवायतों में है कि आसिया क्वीन को बाहर निकालकर रेत में, यानी रेती के ऊपर फिरौन सुलवा देता था, गरम गरम रेती पर, और धूप में सुला करके उसको मारता था, और मार करके कहता था, आसिया ईमान छोड़ दो, ईमान छोड़ दो। तो हजरत आसिया एक ही बात कहती थी कि मैं एक अल्लाह की इबादत करती हूं, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह की मैं इबादत करती हूँ, अल्लाह के सिवा कोई नहीं है, मैं उसी अल्लाह की इबादत करती हूँ। पुलिस वाले मारते मारते थक जाते थे, और ये जमीन पर पड़ी पड़ी सहन करती थी, बर्दाश्त करती थी। जब पुलिस वाले हट जाते थे, अल्लाह के फरिश्ते आते थे। ये इमाम इब्ने कसीर ने अपनी तफसीर में लिखा है, फरिश्ते आते थे और फरिश्तों के विंग्स होते हैं, पर होते हैं, पांख होती है, तो फरिश्तों के जो नूरानी विंग्स, पर पांख होती है, वो खोल के फैला देते थे और हजरत आसिया के ऊपर साया करते थे, साया कर देते थे। मेरी दीनी बहनों, ये हिस्ट्री की बात याद रखना, दिस इज अ ट्रू हिस्ट्री, एकदम सच्चा इतिहास है कि इस दुनिया में आसिया वो औरत है कि अल्लाह के फरिश्तों ने आकर उसके ऊपर साया किया, फरिश्तों ने आकर साया किया, ये वो औरत है हजरत आसिया, ईमान की बरकत से। बहुत जुल्म किया लेकिन हजरत आसिया ने ईमान नहीं छोड़ा। तो एक दिन फिरौन ने सोचा कि फाइट टू फिनिश करो, आखिरी मोहलत दो इसको, आसिया को। तो अपनी बीवी हजरत आसिया को जमीन पर सुलाया, सुलाने के बाद दोनों हाथ यूं खुले करवाए और दोनों पैर लंबे करवाए, और करवाने के बाद ये हथेली है बीच में जहाँ हमारी बहनें मेहंदी लगाती हैं, तो उस हथेली की जगह के ऊपर लोखंड के, स्टील के बड़े बड़े खीले लाया, और बड़े बड़े खीले लाकर के उस जालिम ने लगाए, यूँ हाथ ज़मीन पर रखवा कर, और दोनों हथेली को ज़मीन पर खीले के ज़रिए से ठोक दिया। जहाँ औरतों की मेहंदी होती है वहाँ हजरत आसिया को खून निकलने लगा, खून निकलने लगा, और दोनों पैर लंबे करवाए और पैर के ऊपर भी खीले मारे, और खीले मार करके दोनों पैर को भी जमीन में फिट करवा दिया। पैर पर भी मेहंदियाँ लगाती हमारी बहनें, वहाँ से खून निकल रहा है, दोनों हाथ में खीले,
दोनों पैर में खिले और खून निकल रहा है, जिसको कुरान ने कहा वफिरऔन ज़िल औताद। इसकी एक तफसीर यही है कि फिरौन ने खीले मरवाए हाथ में और पैर में हजरत आसिया को, खून निकल रहा है, और एक बड़ी चट्टान मंगवाए, पत्थर बड़ा, और हजरत आसिया के सीने पर रख दिया। क्या तकलीफ हुई होगी उस रानी को, नाजुक औरत को, जिसने पूरी जिंदगी महल में गुजारी है, कि दोनों हाथ जमीन पर खीले लगवा दिए, दोनों पैर जमीन पर खीले लगवा दिए, खून निकल रहा है, और सीने पर पत्थर रखवा दिया, और नीचे गरम गरम जमीन है। कितना जुल्म, और एक ही बात कि तू ईमान छोड़ दे। और आसिया कहती है मैं ईमान नहीं छोड़ूंगी, कलमा नहीं छोड़ सकती मैं, कुछ भी हो जाए मैं इस्लाम से बाहर नहीं निकल सकती। अब फिरौन शोहर खुद सामने आया है और एक पत्थर हाथ में लिया और लेकर के बीवी की तरफ यूं ताका, हाथ उठा के, कि अभी मारे मुंह पर और सर के ऊपर, और इतनी जोर से मारे कि मुंह और सर दोनों के टुकड़े टुकड़े हो जावे, कुचल देवे, ये उसने इरादा किया। और हाथ में पत्थर लेकर लास्ट अल्टीमेटम देता है, आसिया ये लास्ट चांस है, तू ईमान छोड़ दे। हजरत आसिया कहती है जान दे सकती हूँ, ईमान नहीं छोड़ सकती हूँ, जान दे सकती हूँ, ईमान नहीं छोड़ सकती। देखा कि मेरा शोहर आज जालिम बना हुआ है, जुल्म की इंतहा पर है, आज जुल्म के लास्ट स्टेज पर है आज मेरा शोहर। ओहो, दोनों हाथ जमीन में जकड़े हुए, दोनों पैर जमीन में जकड़े हुए, सीने पर पत्थर है, कुछ नहीं कर सकती, न तड़प सकती है, न उठ सकती है, न अपना डिफेंस कर सकती है, कुछ नहीं कर सकती, जमीन पर पड़ी पड़ी उसने अल्लाह से एक दुआ मांगी। और खुदा को वो दुआ इतनी पसंद आई कि कयामत तक के लिए कुरान में अल्लाह ने वो दुआ बयान फरमा दी। वो औरत दुआ करती है, इस कालत रब्बी बिनिली इंदक बैतन फिल जन्ना, इस कालत रब्बी बिनिली इंदक बैतन फिल जन्ना। आसिया कहती है ए मेरे अल्लाह, मेरे लिए जन्नत में पैलेस बना दो, महल बना दो। ए मेरे खुदा, ए मेरे अल्लाह, आप जानते हो कि मैंने ईमान के लिए फिरौन का महल छोड़ा है, आप मुझे जन्नत का महल अता फरमा दीजिए। कैसे जज्बात थे उस औरत के ईमान के, कैसा पावरफुल ईमान था। ए अल्लाह, मैंने दुनिया में एक किंग, एक राजा, एक महाराजा, उसका पैलेस मैंने छोड़ दिया, सिर्फ ईमान के वास्ते छोड़ा। ए अल्लाह, तो उसके बदले के अंदर मुझे जन्नत में महल अता फरमा। इस कालत रब्बी बिनिली इंदक बैतन फिल जन्ना, ये दुआ मांगी उस औरत ने जमीन पर सोए सोए। फॉरेन में एक जगह पर मैं एक दावत में गया तो उनके सिटिंग रूम में लकड़ी की फ्रेम में शानदार हुरूफ से आयत लिखी हुई थी, रब्बी बिनिली इंदक बैतन फिल जन्ना। मेरी उम्मत की बहनों, मैं भी आपको ये छोटी सी दुआ सिखा के जाता हूँ। ये आसिया की दुआ है जो जन्नत के अंदर तुम्हारे साथ इंशाल्लाह होगी। माँ आसिया के साथ तुम्हें जन्नत में जाना है,
उनकी ये प्यारी दुआ है, तुम भी वो दुआ मांगो अल्लाह से जो हजरत आसिया ने मांगी, जो दुआ कुरान में अल्लाह ने नकल कर दी, रब्बी बनीली इंदक बैतन फिल जन्ना, अल्लाह मेरे लिए जन्नत में एक मकान बना दीजिए, जन्नत में महल बना दीजिए। दीनी बहनों, दुनिया में ईमान के साथ किसी फ्लैट में जिंदगी गुजर जावे अल्लाह का एहसान है, लेकिन जन्नत में अल्लाह महल देवे ये बहुत बड़ी नेमत है। बगैर ईमान के दुनिया में महल मिले और जन्नत में आदमी महल से महरूम हो जावे ये बहुत बड़ी बदनसीबी होगी, ये बेड लक होगा। आप कहते हो ना लक्की, लक और बेड लक किसको कहते हैं? का लक ये है, लक्की ये है कि ईमान के साथ रहे, चाहे दुनिया में सादे सीधे फ्लैट में रहे और जन्नत में खुदा के महल में जावे, और बेड लक ये है कि दुनिया में महल में जावे और वहाँ जाके जहन्नम में चली जावे, ये बेड लक है। मैं आपको अच्छा लक बतलाता हूँ। लक्की वुमन कौन, अच्छे नसीब वाली औरत कौन, जो दुनिया के अंदर ईमान के साथ रहे और खुदा के महल में जन्नत में चली जावे। तो हज़रत आसिया ने ज़मीन पर दुआ मांगी, ये दुआ आप मांगा करो हमेशा, रब्बी बनी ली इंदक बैतन फिल जन्ना, एल्ला मेरे लिए जन्नत में महल बना दो, जन्नत का पैलेस मुझे चाहिए। फिर क्या हुआ, हमारे यहाँ मदरसों में ये जो मौलाना लोग हैं उनको मौलाना बनाते बनाते कुरान की एक तफसीर पढ़ाते हैं जिसका नाम है जलालैन शरीफ। उसमें लिखा हुआ है कि हज़रत आसिया दुनिया में पड़ी हुई है, दोनों हाथ में कीले लगे हैं, सीने पर पत्थर है, खून निकल रहा है हाथ में और पैर में, पर अल्लाह ने उस औरत की दुआ ऐसी कबूल कर ली कि सातों आसमान के दरवाजे खुल गए। पहले आसमान का दरवाज़ा खुला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, सातों आसमान के दरवाजे खुल गए और दुनिया में रहते रहते हज़रत आसिया ने जन्नत में अपना महल देख लिया, खुदा ने उनको महल दिखलाया दुनिया में रहते हुए। रब्बी बनी ली इंदक बैतन फिल जन्ना, एल्ला मेरे लिए जन्नत का महल बना दीजिए। मेरी ईमान वाली बहनों, ये हज़रत आसिया का किस्सा है। कैसी औरत होगी, दोनों हाथ में से खून जा रहा है, दोनों पैर में से खून निकल रहा है, सीने पर चट्टान है, जान की कुर्बानी दे रही है, लेकिन ईमान छोड़ने के लिए तैयार नहीं है कि ईमान पर ही जम के रहना है। बिलाखिर फिरौन ने उसके मुंह पर जैसे पत्थर छोड़ा, अल्लाह ताला ने हज़रत आसिया को जन्नत में दाखिल फरमा दिया, खुदा ने जन्नत का दाखिला अता फरमा दिया। और साथ में हज़रत आसिया दुआ करके गई, तीन दुआ मांगी है छोटी सी आयत में, रब्बी बनीली इंदक बैतन फिल जन्ना, एल्ला मेरे लिए जन्नत में महल बना दो, वनजिनी मिन फिरौन व अमली, एल्ला फिरौन और फिरौन के कुफ्र शिर्क वाले कामों से मुझे नजात दे दो, बचा लो, फिरौन के कुफ्र शिर्क वाले कामों से मुझे नजात दे दो, बचा लो। मेरी बहनों, हमें ईमान को बचाना है, कुफ्र शिर्क वाले कामों से बचाना है अपने आप को। जो काम हमारे ईमान को बर्बाद कर देवे ऐसे कामों से हमें अपने आप को बचाना है। और तीसरी दुआ, वनजिनी मिनल कौमिज़ ज़ालिमीन,
अल्लाह ये जुल्म करने वाली कौम, मिस्र की फिरौनी कौम, अल्लाह उनसे तू मेरी हिफाजत फरमा। ये तीन दुआ मेरी बहनों को मैं बहुत रिक्वेस्ट करता हूँ, बाई हार्ट रिक्वेस्ट करता हूँ, बहुत दर्द से अपील करता हूँ। आज के हालात को सामने रखकर ये तीनों दुआ अल्लाह से मांगा करो, कंटिन्यू मांगो, डेली मांगो, रोज़ाना मांगो अल्लाह से, और सोच के मांगो, रब्बी रब्बी बनीली इंदक बैतन फिल जन्ना, अल्लाह मुझे जन्नत का महल अता फरमा, वनजिनी मिन फिरऔन व अमली, अल्लाह आज के फिरौन जो ईमान के लुटेरे हैं, जो ईमान को लूट लेते हैं और जो कुफ्र शिर्क के गंदे काम वो करते हैं, ऐसे फिरौनों से अल्लाह तो मेरी हिफाजत फरमा। वनजिनी मिनल कौमी ज़ालिमीन, जुल्म करने वाली कौम से अल्लाह मेरी हिफाजत फरमा। आज के हालात में बहनों ये तीनों दुआ अल्लाह से मांगा करो, डेली मांगो, इसको याद कर लो। अल्लाहु अकबर। हज़रत आसिया रदी अल्लाहु ताला अन्हा, उनका ईमान अल्लाह ने एग्जाम्पल बनाया, नमूना बनाया। कुरान की आयत यहीं से शुरू हुई, वदरबल्लाहु मसलन लिल्लदीन आमनुम रात फिरऔन, अल्लाह ने ईमान वालों के लिए फिरौन की बीवी आसिया का ईमान एग्जाम्पल और नमूना बनाया, नमूना बनाया। ये हमारी आइडियल औरत है। आप लोग आइडियल ढूंढते हो ना, तो बहनों मैं आपको आइडियल दिखा रहा हूँ कि हु इज़ योर आइडियल, तुम्हारी आइडियल कौन है, कौन तुम्हारे लिए एग्जाम्पल और नमूना है। हज़रत आसिया रदी अल्लाहु ताला अन्हा, सी इज़ योर आइडियल, वो तुम्हारे लिए आइडियल है, वो तुम्हारे लिए नमूना है, जिनके ईमान को कुरान में अल्लाह ताला ने नमूना बतलाया। और ये इनकी तीन प्यारी प्यारी दुआएं अल्लाह ने कुरान में बयान फरमा दी। दीनी बहनों, इस वक्त सबसे बड़ी चीज़ मेरा और आपका ईमान बच जावे, उसकी कोशिश, उसकी फिक्र, ये इस ज़माने का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अल्लाह ने ईमान दिया है तो ईमान के साथ हमें दुनिया से जाना है, ईमान के साथ कब्रिस्तान जाना है, उसकी कोशिश फिक्र करना ये सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। अल्लाह आपके ईमान को भी सलामत रखे, मेरे ईमान को भी सलामत रखे, और अल्लाह ताला आउटलाइन होने से मेरी और आपकी हिफाजत फरमाए। कुरान की एक दूसरी दुआ मैं कोट करता हूँ, आपको बतलाता हूँ, ये दुआ भी आज के हालात में मांगो, रब्बना ला तुज़िग कुलूबना बाद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नक अंतल वहाब। ये दुआ अल्लाह ने सिखलाई है, रब्बना ए हमारे रब अल्लाह, ला तुज़िग कुलूबना, हमको आउटलाइन मत बना देना, हमारे दिलों को आउटलाइन मत कर देना। रब्बना ला तुज़िग कुलूबना, हमारे दिलों को, हमारी लाइफ को आउटलाइन मत कर देना, बल्कि ईमान और इस्लाम के सीधे रास्ते पर बाकी रखना। रब्बना ला तुज़िग कुलूबना बाद इज़ हदैतना, ए अल्लाह तूने ईमान दिया, हिदायत दी, इस्लाम दिया, अब हमें तो आउटलाइन मत बना देना। ला तुज़िग कुलूबना बाद इज़ हदैतना वहब लना मिन लदुनका रहमा, ए अल्लाह अपनी रहमत अता फरमा। खुदा की रहमत मिलेगी तो हमारी लाइफ, जिंदगी सुकून वाली बन जाएगी, चैन वाली बन जाएगी,
इत्मीनान वाली बन जाएगी, मज़ेदार बन जाएगी अल्लाह की रहमत से। और खुदा की रहमत मिलेगी नेक काम करने की बरकत से, नमाज की बरकत से, कुरान की बरकत से अल्लाह की रहमत मिलेगी। और खुदा की रहमत आएगी तो हमारी ज़िंदगी लाइफ बहुत प्यारी, बहुत सुकून चैन वाली हो जाएगी। रब्बना ला तुज़िग कुलूबना बाद इज़ हदैतना वहब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। अल्लाह आप ही बहुत देने वाले हो, बहुत नवाजने वाले अल्लाह हो। तो ये दो दुआ हो गई। प्रॉमिस करो बहनों कि ये दोनों दुआ रोज़ाना अल्लाह से मांगेंगे। कहो इंशाल्लाह। हम सब भी ये दुआ मांगे, आज के हालात में हमारे लिए भी बहुत ज़रूरी है। पहली दुआ हो गई, रब्बी बनीली इंदका बैतन फिल जन्ना वनज्जिनी मिन फिरऔन व अमली वनज्जिनी मिनल कौमिज़ ज़ालिमीन। रब्बना ला तुज़िग कुलूबना बाद इज़ हदैतना वहब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। और देखो एक मसला मैं आपको बतलाऊं, आप लोगों ने प्रोग्राम का पोस्टर पढ़ा होगा कि मेरे नाम के साथ मुफ्ती लगा हुआ है ना, इसलिए मैं मसला इंशाल्लाह सही बताऊंगा। मैं अपनी सब बहनों को कहता हूं, भाइयों को भी कहता हूं, हम दिन में 5 फर्ज नमाज पढ़ते हैं, 1 वितर वाजिब पढ़ते हैं, सुन्नत नफले पढ़ते हैं, तो दिन की कम से कम 1 या 2 नमाज में अत्तहियात और दुरूद शरीफ के बाद ये दुआ पढ़ने का मामूल बनाओ। दिन की 1 या 2 नमाज में अत्तहियात और दुरूद शरीफ के बाद यही 2 दुआ पढ़ने का मामूल बनाओ। आज के हालात के अंदर यही दुआ, रब्बी बिनीली इंदका बैतन फिल जन्ना वनज्जिनी मिन फिरऔन व अमली वनज्जिनी मिनल कौमिज़ ज़ालिमीन। इसका ट्रांसलेशन, तर्जुमा, मायना, भाषांतर ये होता है, ए मेरे अल्लाह मेरे लिए जन्नत में महल बना दीजिए। अल्लाह आज के फिरौन जो ईमान के लुटेरे हैं, उनके और उनके कुफ्र शिर्क वाले कामों से अल्लाह मुझे बचा दे, नजात दे दे, और जालिमों से अल्लाह तू मुझे बचा बचा के रख। और दूसरी दुआ, रब्बना ला तुज़िग कुलूबना बाद इज़ हदैतना वहब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। अल्लाह हमारे दिलों को ईमान से हटा मत देना, हमको आउटलाइन मत बना देना, हमको हिदायत पर रखना और अपनी रहमतों से माला माल फरमाना। आप बहुत देने वाले अल्लाह हो। बहनों, तुम्हारी आइडियल हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा है। ये एक पहली बात जिसको आप अपने दिमाग में, माइंड में, मेमोरी पावर में फिट कर लो, रिकॉर्ड कर लो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे लिए ईमान है, कि पूरी जिंदगी ईमान रहे और ईमान के साथ हम दुनिया से जावे। अब दूसरी बात मैं आपको कहूँ, मैंने शुरू में आपको कहा था कि दुनिया की सब चीज़ ख़त्म होने वाली है, फना होने वाली है। यहाँ के अच्छे से अच्छे कपड़े ख़त्म हो जाएंगे, यहाँ की अच्छी से अच्छी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। अभी पिछले दिनों में कोरोना था, तो आपने कोरोना पीरियड में देखा, जवान जवान लड़कियाँ जनाजे में सो के कब्रिस्तान जा रही है। 15 ईयर एज, 16 ईयर एज, 20 ईयर एज,
22 ईयर एज, 15, 20, 22, 25 साल की जवान जवान लड़कियां कब्रिस्तान जा रही है, जनाजे में सो करके जा रही है। बेटियों बहनों, क्या लेकर गई वो? कौन से कपड़े लेकर के गई? कौन से फैशनेबल कपड़े लेकर गई? कफन के कपड़े ओढ़ के वो कब्रिस्तान चली गई, कफन पहन के चली गई। कोई फैशनेबल कपड़े, स्टाइलिस्ट कपड़े कब्रिस्तान में साथ नहीं आए। ओहो, कफन की चादर ओढ़ी, जनाजे में उनको लिटाया और लिटा के कब्रिस्तान कब्र में ले जाके सुला दिया। अल्लाह अल्लाह। बहनों सोचो, ये फैशनेबल कपड़े, मॉडर्न स्टाइल के कपड़े, ये कभी साथ नहीं आएंगे, कभी साथ नहीं आएंगे। ईमान साथ में आएगा, अच्छे आमाल साथ में आएंगे, नेक काम साथ में आएंगे। अल्लाहु अकबर। इसीलिए दीनी बहनों, ये हदीस हमेशा याद रखना, जो हदीस में सुनाने जा रहा हूँ आपको। प्यारे आका ताजदार मदीना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, रुब कासियातिन आरियातिन, रुब कासियातिन आरियातिन। बहुत सी कपड़े पहनने वाली औरत ऐसी है कि वो नंगी है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, नूरानी जुबान से सब फरमाते हैं, सच्ची और मुबारक जबान से फरमाते हैं, रुब कासियातिन आरियातिन। बहुत सी कपड़े पहनने वाली नंगी है, नंगी। क्या मीनिंग होता है समझो अच्छी तरह इस हदीस को। कपड़े पहने लेकिन इतने फिटिंग वाले कपड़े पहने कि बॉडी की साइज नजर आवे, पूरी बॉडी की साइज। अभी जो जींस है, टी शर्ट है, ये जो पहनते हैं उसमें पूरी बॉडी की साइज नजर आती है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, इसका एक मीनिंग ये है कि इतने फिटिंग वाले, इतने चुस्त कपड़े पहने कि बॉडी की पूरी साइज नजर आवे, और फिर पराए मर्दों के सामने जावे, लड़कों के सामने जावे, तो ऐसी लड़कियां, ऐसी औरतें जहन्नम की आग के अंदर जलाई जाएगी, जहन्नम में जलेगी। इसलिए फिटिंग वाले कपड़े मत पहनो, एकदम चुस्त मर्दों जैसे, लड़कों की स्टाइल के जींस टी शर्ट ये कपड़े बिल्कुल नहीं, ये हमारे लिए नहीं है। हदीस शरीफ का दूसरा मीनिंग ये है, रुबकासियातिन आरियातिन, ऐसे कपड़े पहने कि जो इतने बारीक हो, इतने पतले हो कि अंदर से बॉडी नजर आवे, अंदर से तुम्हारी बॉडी नजर आवे। जैसे कि आजकल नेट सूट की फैशन चली है, नेट वाले कपड़ों की फैशन चली है, बॉडी पर कपड़े पहनेंगे लेकिन बॉडी नजर आएगी। इतने बारीक, इतने पतले कपड़े का, जो औरतें ऐसे कपड़े पहने और घर से बाहर जावे, वो जहन्नम की आग में जलाई जाएगी, जहन्नम में जलेगी। तीसरा मीनिंग होता है, रुबकासियातिन आरियातिन, कपड़े पहने लेकिन कम कपड़े पहने, अधूरे कपड़े पहने, कि पूरा हाथ खुला हुआ है और नीचे से पैर खुले हुए हैं, गला खुला हुआ है, ऐसे अधूरे कपड़े पहने, कम कपड़े पहने। ऐसी औरतों के लिए फरमाया, रुबकासियातिन आरियातिन, ऐसे कपड़े पहनने वालियां जहन्नम की आग में जलाई जाएगी। इसीलिए बहनों बेटियों, फिटिंग वाले कपड़े, चुस्त कपड़े, बारीक और पतले कपड़े, कम कपड़े, अधूरे कपड़े, इससे अपने आप को बचाओ, इससे अपने आप को बचाओ।
ये कपड़े, ये यूनिफॉर्म तुमको जहन्नम में ले जाने का जरिया है, जहन्नम की आग में ले जाने का जरिया है। ओहो, मैं तुमको कपड़े की स्टाइल बतला, कपड़े कैसे होने चाहिए। स्टाइल बताने से पहले मैं आपके सामने थोड़ी सी पहचान करा दूं। मेरे और आपके प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बेटी का नाम था फातिमा जहरा, हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा। और सुनो बहनों, ये जन्नत में तुम्हारी लीडर होगी, तुम्हारी मॉनिटर होगी, लीडर फातिमा जहरा, सैयदतुन निसाए अहलिल जन्ना फातिमा जहरा, जन्नत की औरतों की सरदार फातिमा होगी। फातिमा प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा जहरा जन्नत में तुम्हारी लीडरशिप करेगी, तुम्हारी सरदार होगी। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह आपको फातिमा जहरा के साथ जन्नत में जगह अता फरमाए, जन्नत में खुदा तुमको ले जावे, फातिमा के साथ ले जावे। ओहो, अल्लाह के नबी की लाडली बेटी, उनका यूनिफॉर्म कैसा था, उनके कपड़े कैसे थे, वो मैं आपको सुनाऊं। और इस नीयत से बहनों बेटियों सुनाता हूँ ताकि आप उनकी स्टाइल की नकल करें। हम स्टाइल की नकल करते हैं, कॉपी करते हैं। तो फातिमा तुम्हारे लिए बेस्ट आइडियल है, बेस्ट आइडियल, बहुत अच्छा नमूना है। फातिमा के कपड़े की नमूना मैं आपको सुनाऊं। मैं पहली मर्तबा तुर्की गया था, तो तुर्की में इस्तांबुल में बहुत बड़ा म्यूजियम है, और वहाँ सबसे ज़्यादा मोतबर बरकती चीज़ें रखी हुई है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मोतबर बरकती चीज़ें इस्तांबुल के म्यूज़ियम में हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ता है, अल्लाह के नबी के बाल हैं, अल्लाह के नबी की तलवार है, अल्लाह के नबी की लकड़ी है, बहुत कुछ चीज़ें बरकती वहाँ पर हैं। तो उस म्यूज़ियम में एक जगह पर जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ता मुबारक है, वहाँ 24 घंटे कुरान की तिलावत होती है। और हिस्ट्री ये है कि 400 साल से कंटिन्यू उस रूम में कुरान की तिलावत होती है, एक मिनट भी तिलावत बंद नहीं हुई, इतना नूरानी वो रूम है। वहीं पर एक कुर्ता रखा हुआ है, उस कुर्ते के ऊपर इंग्लिश में अरबी में लिखा हुआ है, ये जन्नत की औरतों की सरदार फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा का कुर्ता है जो वो पहना करती थी, हजरत फातिमा का कुर्ता, उनका ड्रेस। मैंने वो ड्रेस देखा, काफ़ी देर तक मैं देखता रहा, और इस नीयत से मैंने उसको ध्यान से देखा कि मेरी उम्मत की बहनों को मैं उसकी स्टाइल बताऊं कि फातिमा का ड्रेस कैसा था, फातिमा के कपड़े कैसे थे, ताकि तुम अपने कपड़े ऐसे बनाओ। सीरत की किताबों से पता चलता है कि हज़रत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा बहुत सिंगल बॉडी की थी, बहुत सिंगल बॉडी की थी फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा। लेकिन उनके ड्रेस जो मैंने देखा, उनका जो कुर्ता मैंने देखा, तो कम से कम 1 मीटर चौड़ा था, उसकी चौड़ाई और कोड़ाई 1 मीटर थी, 1 मीटर चौड़ाई उसकी। इतना ढीला कपड़ा हजरत फातिमा पहनती थी ताकि बॉडी की साइज किसी को नज़र ना आवे। ये हैं जन्नती औरतों की सरदार फातिमा के कपड़े की चौड़ाई। फिर उसकी थिकनेस देखी, कितना पतला है, कितना मोटा है। तो हमारे घरों के अंदर जो नमाज के लिए ये मुसल्ले बिछाए जाते हैं, उसमें एक शतरंजी के मुसल्ले होते हैं, तो कितने मोटे होते हैं, एक पोरवा होता है, ये पोरवा उंगली के 3 हिस्से हैं, उसमें ऊपर वाला एक पोरवा, तो एक टेरवा, गुजराती में टेरवा कहते हैं, उर्दू में पोरवा कहते हैं,
तो एक पौर्वे और एक ट्वेरवे जितनी थिकनेस, जाड़ापन, मोटापन उस जुब्बे और कुर्ते के अंदर था हजरत फातिमा के, एक पौर्वे जितना, ताकि इतना जाड़ा इतना मोटा कपड़ा पहने तो बदन अंदर से नजर ना आवे, अंदर से ना दिखे, इसके लिए। और आस्तीन और बैन लंबी लंबी कि उसके अंदर हथेली भी छुप जावे, गला पूरा पैक कि गला भी नजर ना आवे, पूरा कुर्ता इतना लंबा कि नीचे तक चला जावे। वहाँ लिखा हुआ था ये जन्नत की औरतों की सरदार फातिमा जहरा का ये कुर्ता है, फातिमा जहरा का ये लिबास है, फातिमा तो जहरा का ये यूनिफॉर्म है। उम्मत की बहनों बेटियों, आज के हालात में ऐसे कपड़े ऐसी स्टाइल हमें अपनाने की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। आपके कपड़े कैसे हो, आपकी बॉडी को छुपाने वाले हो, आपके बदन को ढांकने वाले हो और आपके ऊपर पर्दे का जरिया बने। अभी आपने कुरान की आयत सुनी, कितनी प्यारी आयतें थी कुरान की, अल्लाह अल्लाह। मैं आज की स्टाइल में उसका तर्जुमा और तफसील करूं तो या अय्युहन नबीयु कुल लिअज़वाजि व बनाति व निसाइल मुमिनीन। अल्लाह ताला अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हैं, ए नबी आप अपनी बीवियों को वाइफ्स को कह दो, अपनी बेटियों को ज़ैनब रुकैया उम्मे कुलसुम फ़ातिमा को कह दो, व निसाइल मुमिनीन क़यामत तक आने वाली मुसलमान औरतों को कह दो। क्या ऑर्डर दिया, युदनीना अलैहिन्न मिन जलाबीबिहिन्न। कभी घर से ज़रूरत के लिए बाहर निकलो तो अपने ऊपर जाड़ी मोटी चादर डाल के निकलो, अपनी बॉडी को ढांक के निकलो, पर्दे में छुपा करके निकलो। फिर आगे क्या फरमाया, ज़ालिका अदना अय्युरफ़ना फला युज़ैन। ऐसे कपड़े पहन के जाओगी तो कोई तुमको पहचानेगा नहीं, और पहचानेगा नहीं तो कोई तुमको छेड़ेगा नहीं। फला युज़ैन, कोई तुमको नहीं छेड़ेगा, कोई तुम्हारे साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा, कोई तुम्हारे ऊपर गंदी नजर नहीं डालेगा। सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी तालीम दी गई। तुम्हारा कैरेक्टर भी बचेगा, तुम्हारी जात भी बचेगी, तुम्हारा ईमान भी बचेगा, तुम्हारी जिंदगी भी बचेगी। कितनी अच्छी तालीम कुरान मजीद ने दी, अल्लाहु अकबर। तो ये हदीस बहुत इम्पोर्टेंट हदीस है, रुब कासियातिन आरियातिन, बहुत सी कपड़े पहनने वाली नंगी है, पतले कपड़े पहने, अधूरे कपड़े पहने, कम कपड़े पहने, बारीक और पतले कपड़े पहने, ऐसी सब औरतों को अल्लाह जहन्नम की आग में डालेंगे। अल्लाह बेटियों आपकी जहन्नम से हिफाजत फरमाए। इसीलिए इस्लामी ड्रेस पहनो, इस्लामी यूनिफॉर्म पहनो, इस्लामी कपड़े पहनो। और इस हदीस का एक दूसरा मतलब ये है कि बहुत सी कपड़े पहनने वाली जो दुनिया में कपड़े पहनती है लेकिन आखिरत में नंगी होगी, दुनिया में तकवा नहीं है, अल्लाह का डर नहीं है, इसलिए वो आखिरत में नंगी होगी। अपने अंदर अल्लाह का डर पैदा करो। अलम या अलम बिअन्नल्लाह यरा, जहाँ भी जाओ हमेशा एक चीज सोचो, मेरे अल्लाह मुझे देखते हैं, मेरे अल्लाह मुझे देखते हैं, मेरे अल्लाह मुझे देखते हैं। ओहो, आज हम कॉलेज में जावे, हाई स्कूल में जावे, स्कूल में जावे, यूनिवर्सिटी में जावे, आप क्या सोचते हो, हमारे पेरेंट्स हमको नहीं देखते, हमारे वडील हमको नहीं देखते, हमारे माँ बाप हमको नहीं देखते। लेकिन हमेशा याद रखना, अल्लाह हर जगह पर देखते हैं,
अल्लाह हर जगह देखते हैं। यू इज अंडर द विजन, तुम खुदाई कैमरे में चल रहे हो, अल्लाह के कैमरे में तुम लोग हो, खुदा तुमको देख रहे हैं, अल्लाह तुमको देख रहे हैं। ये चीज हमेशा सोचना, हमेशा सोच सोच के रहना। अलम यालम बि अन्न अल्लाह यरा, अल्लाह हमें हर वक्त देखते हैं, तो इंशाल्लाह गुनाह से बचना आसान हो जाएगा, गुनाह से बचना आसान हो जाएगा, गुनाह से बचना आसान हो जाएगा। अल्लाह ताला आपके मेरे ईमान की, कैरेक्टर की, जिंदगी की, ज़ात की अल्लाह अपने फजल व करम से खूब खूब हिफाजत करे, खूब खूब अल्लाह ताला हिफाजत करे। इसकी हमें हमेशा कोशिश, ट्राई और दुआ भी करनी है। बहनों, एक तीसरी बात बहुत दर्द से मैं आपको कहता हूँ, सिंपल लाइफ पर आओ, सादगी वाली जिंदगी, सिंपल लाइफ, सादगी वाली जिंदगी। ये जो हमारी एक आदत है, डेकोरेट जिंदगी, फैशन वाली जिंदगी, ये जिंदगी हमेशा साथ रहने वाली नहीं है, हमेशा साथ रहने वाली नहीं है। बहुत बड़ी बड़ी फैशन करने वाली औरतें आज कब्रिस्तान में जाके सोई हुई है, उनकी कब्र के ऊपर कोई पानी डालने वाला भी नहीं, कोई घास डालने वाला भी नहीं। अल्लाह अल्लाह, बहनों कब्र में जाके सोना है, हम क्या स्टाइल वाली जिंदगी गुजारे। एकदम सिंपल जिंदगी गुजारो, लेकिन ईमान के साथ, अच्छे काम के साथ जिंदगी गुजारो। एक शेर सुनाता हूँ मैं आपको, शायरी आपको बहुत काम आएगी, इसको बार बार सुनते रहना, हो सके तो अपने मोबाइल में रिकॉर्डिंग कर लो और सुनते रहना, जब भी आपको टाइम मिले इस शेर को सुनते रहना, बहुत फायदा होगा। हमारी पूरी लाइफ का खुलासा, पूरी लाइफ का एक एस्टिमेट इस शेर के अंदर है। कहा किसी अल्लाह के नेक बंदे ने, आदमी का जिस्म क्या है जिस पे शैदा है जहां, आदमी का जिस्म क्या है जिस पे शैदा है जहां। यानी ये बॉडी, ये हमारा शरीर, ये हमारा बदन है क्या चीज जिस पर आज दुनिया मरती है, उसको सजाने के लिए, अच्छे अच्छे कपड़े के लिए, अच्छी अच्छी चप्पल के लिए, अच्छे अच्छे फैशनेबल ग्लास और जो है कपड़ों के लिए। क्या है आदमी की बॉडी, क्या है इंसान किया ये बदन। आदमी का जिस्म क्या है जिस पे शैदा है जहां, एक मिट्टी की इमारत एक मिट्टी का मकान। ये इंसान की बॉडी मिट्टी से बनी हुई है, ये मिट्टी की बिल्डिंग है, मिट्टी का मकान है। अगर आपको तजुर्बा और अनुभव करना हो, दो चार दिन नहाना छोड़ दो, गुसल करना छोड़ दो, देखो मिट्टी निकलना चालू होती है कि नहीं होती है, कैसे मैल आता है, कैसे मिट्टी निकलती है, देख लो। और जब लोग कब्रिस्तान में रख देंगे, एक साल होगा, दो साल होंगे, चार साल होंगे, ये पूरी बॉडी मिट्टी बन चुकी होगी, पूरा बदन मिट्टी बन चुका होगा। तो शायर ने कहा, आदमी का जिस्म क्या है जिस पे शैदा है जहां, एक मिट्टी की इमारत एक मिट्टी का मकान, चंद सांसों पे खड़ा है ये ख्याली आसमान। चंद सांस की जिंदगी है, ये सांस है, जब तक ये सांस चलेगा वहां तक जिंदगी है, सांस बंद हो गया उसका नाम मौत है, मौत है, मौत है। तो शायर कहता है, आदमी का जिस्म क्या है जिस पे शैदा है जहां, एक मिट्टी की इमारत एक मिट्टी का मकान, खून का
गारा बनाया ईंट जिसमें हड्डियां। तो बिल्डिंग बनाते हैं तो सीमेंट कंक्रीट चाहिए और ब्रिक्स ईंटे चाहिए, तो का खून ये है हमारी सीमेंट कंक्रीट और ये हड्डियां जो है वो ईंट है ईंट। तो का खून का गारा बनाया ईंट जिसमें हड्डियां, चंद सांसों पे खड़ा है ये ख्याली आसमां। चंद सांस की ये जिंदगी है, फिर बात क्या कही। और मौत की पुरजोर आंधी जिस दम आकर टकराएगी, और मौत की पुरजोर आंधी जिस दम आकर टकराएगी, ये इमारत टूट कर खाक में मिल जाएगी। और मौत की पुरजोर आंधी, एक साइक्लोन आने वाला है, सुपर साइक्लोन, और वो वावाझोड़ा है मौत की आंधी आएगी। मौत की आंधी का, मौत की आंधी आएगी, सुपर साइक्लोन आएगा और इस बॉडी वाली बिल्डिंग से टकराएगा, तो ये बॉडी टूट के कब्रिस्तान में जाकर के मिट्टी में मिल जाएगी। बहनों, हमारी जिंदगी की हकीकत क्या है? एक जिंदगी है, एक मिट्टी की इमारत है, अखीर में कब्रिस्तान जाके सोना है। लिहाजा दुनिया की ये शानदार चीज़ों के ऊपर मत पड़ो। अच्छा मोबाइल होवे, अच्छे कपड़े होवे, टू व्हीलर गाड़ी अच्छी होवे, फैशनेबल जूते चप्पल होवे, नहीं, सादी सिंपल जिंदगी होवे लेकिन ईमान के साथ होवे और अच्छे कामों के साथ होवे, तो इंशाल्लाह जन्नत में अल्लाह महल देंगे, जन्नत के कपड़े देंगे, जन्नत में आलीशान नेमतें अता फरमाएंगे। ये है असल जिंदगी, जो मेरे और आपके लिए असल जिंदगी है। अल्लाह ताला हम सबको ये बात समझने की तौफीक अता फरमाए, ये बात की तरफ ध्यान देने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। इसलिए इस मजलिस में से, आज के इस प्रोग्राम से ये चंद लेसन लेकर के जाओ। मैं आपको इम्पोर्टेंट लेसन दे रहा हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट सबक दे रहा हूँ कि बहनों, आपके लिए मेरे लिए सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल कीमती चीज़ ईमान है। ईमान अल्लाह ने मुसलमान बनाया, अब हमको कोशिश ये करनी है ईमान के साथ हम दुनिया से जावे, कलमे के साथ हम दुनिया से जावे, ईमान हाथ से निकल न जावे। और दूसरी चीज़, सिंपल कपड़े पहनो, सुन्नत, अच्छा कपड़ा पहनो लेकिन फिटिंग वाला नहीं, ढीला ढाला हो और पतला ना हो, अधूरा ना हो, पूरा सुन्नत तरीके के कपड़े हो जो आपकी पूरी बॉडी को ढकने वाले हो। और तीसरी चीज़, आज के ज़माने के जो ये सब चक्कर है, उन चक्करों में मत पड़ो। मैं बहुत जो है दर्द दिल से एक बात सुनाकर अपनी बात मुकम्मल करता हूँ। बहनों, माँ बाप ने बहुत मेहनत से आपको बड़ा किया है, ये मेरी बात दिल में उतार लेना। तुम्हारी माँ, तुम्हारा बाप बहुत मेहनत से तुमको बड़ा किया है। माँ ने पेट में रखा 9 महीने तक, माँ ने दूध पिलाया 2 साल तक, और माँ ने नहला धुला के तुमको बड़ा किया। बहुत मेहनत की है तुम्हारी माँ ने, तुम्हारे बाप ने। आज होता क्या है कि हम अपने माँ बाप का दिल दुखाते हैं। माँ बाप का दिल मत दुखाओ, अगर माँ बाप का दिल दुखाओगे दुनिया भी बर्बाद हो जाएगी, आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। माँ बाप का दिल खुश रखो, दुनिया में भी इज्जत मिलेगी, आखिरत में जन्नत मिलेगी। माँ बाप को खुश रखो, माँ बाप की दुआएं लो। इसलिए नियत करके उठो, कभी माँ बाप का दिल नहीं दुखाएंगे, माँ बाप को परेशान नहीं करेंगे। इतनी नियत करने के बाद
मुझे माफ करना, सॉरी मैं एडवांस कहता हूँ। आज अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, फेसबुक पर, इंटरनेट पर किसी पराए लड़के के साथ कांटेक्ट हो गया, स्कूल में कोई बॉयफ्रेंड बन गया, तो फिर हम चुपके चुपके उसके साथ सब कुछ नक्की कर लेते हैं। माँ बाप का दिल दुखता है, माँ बिचारी रोती है, बाप रोता है, ये मेरी बेटी, ये मेरा बेटा, कितनी मेहनत से उसको बड़ा किया था, लेकिन आज उसने मुझे पूछा भी नहीं, और वो कहे मुझे फुला लड़के से शादी करनी है, फुला लड़के से एंगेजमेंट करना है। बहनों, बेटियों, माँ बाप का दिल मत दुखाना, माँ बाप को ओवरटेक मत करना। माँ बाप की खुशी अल्लाह की खुशी है, माँ बाप की खुशी दुनिया की इज्जत है, माँ बाप की खुशी जन्नत में ले जाने वाली है। ये जाहिर का देख देखाओ तुम्हें धोखे में न डाले कि एक लड़का बहुत अच्छा दिखता है पर तुमने माँ बाप का दिल दुखा कर उसके साथ कॉन्टेक्ट कर लिया। ओहो, माँ बाप नाराज, अल्लाह भी नाराज। हमेशा ये रखना कि मेरे माँ बाप को मैं खुश रखूं। माँ बाप की चॉइस मेरी चॉइस, माँ बाप की पसंद मेरी पसंद, मैं अपने माँ बाप को कभी नाराज नहीं करूंगी। याद रखो, माँ बाप अपनी औलाद के लिए कभी बुरा नहीं चाहते, कभी बुरा नहीं चाहते, कभी बुरा नहीं चाहते। वो इंशाल्लाह आपके लिए अच्छा ही लड़का पसंद करेंगे। माँ बाप को बीच में रख कर के, माँ बाप का दिल खुश करके, माँ बाप को राजी करके तुम अपना लाइफ पार्टनर, जीवन साथी शरीयत के मुताबिक उसका सिलेक्शन करना, तो इंशाल्लाह ज़िंदगी में बहुत सुख मिलेगा, चैन मिलेगा, राहत मिलेगी, बरकत मिलेगी। और माँ बाप का दिल दुखाओगे तो दुनिया जहन्नम बन जाएगी, दुनिया तकलीफ वाली बन जाएगी। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगियों को नूरानी बनावे, रहमत वाला बनावे, बरकत वाला बनावे। और जो दुआ मैंने आपको दो सिखलाई वो इसको हमेशा मांगते रहना, रब्बी बनीली इंदक बैतन फिल जन्ना वनजिनी मिन फिरऔन व अमली वनजिनी मिनल कौमिज ज़ालिमीन। एहला, मुझे मेरे लिए जन्नत में महल बना दीजिए, आज के फिरौनों से और उनके गंदे कुफरिया शिरकिया कामों से अहल्ला मुझे बचा लीजिए, अहल्ला मुझे जालिमों से बचा करके रखिए। रब्बना ला तुज़िग कुलूबना बाद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। अहल्ला ईमान पर रखना और आउटलाइन हो जाने से, बिगड़ने से अहल्ला आप हमारी हिफाजत करना। ये दुआ हमेशा मांगा करो, हमेशा मांगा करो, हमेशा मांगा करो। अल्लाह ताला आज के इस जमा होने को कबूल फरमाए, कहने सुनने को कबूल फरमाए। अल्लाह हमारे ईमान की, दीन की हिफाजत फरमाए। वाखिरु दावाना अनिलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सैयदिना मुहम्मद वाला आलिही व सहबिही अजमाइन। या ज़ल जलाली वल इकराम, रब्बना ला तुज़िग कुलूबना बाद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। रब्बी बनिली इंदका बैतन फिल जन्ना ونجني من فرعون وعملي ونجني من القوم الظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار। اے اللہ ہماری تمام بہنوں کو، بیٹیوں کو، ماؤں کو، ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنا دیجئے،
अल्लाह जिस दिन मौत आए ईमान के साथ दुनिया से जाना नसीब फरमा दीजिए। अल्लाह कब्र को जन्नत बना दीजिए, कब्र के अजाब से जहन्नम की आग से हमारी हिफाजत फरमा लीजिए, हमें सच्चा पक्का मुसलमान बना दीजिए। प्यारे आका ताजदार मदीना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी खैर मांगी हमें और पूरी उम्मत को अता फरमाओ, जिन शुरूर से पना चाही हमारी और पूरी उम्मत की हिफाजत फरमाओ। वसल्लल्लाहु वसल्लम अला सैयदिना मोहम्मद वाला आलिही वसहबिही अजमाइन। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून। वसलामुन अलल मुरसलीन। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।